हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बारे में। इस वीडियो हम देखेंगे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन मार्केट में स्कॉर्पियो एन को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और इस गाड़ी को खरीदने के लिए लोग लंबे समय तक वेटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले गाड़ी के सभी पार्ट्स को बना लिया जाता है मशीनों की सहायता से, उसके बाद सभी पार्ट्स को जोड़ा जाता है और यह सभी काम रोबोटिक मशीनों के द्वारा होती है और जो बाकी काम होती है वो आदमियों की सहायता से की जाती है। वेल्डिंग का काम पूरा हो जाने के बाद इस गाड़ी को पेंट में पूरी गाड़ी को डुबो दिया जाता है। उसके बाद जहाँ जहाँ एक गैप होती थोड़ी मोड़ी, उसमें रबड़ की पेस्ट के द्वारा पूरी भर दी जाती है गैप्स को। उसके बाद इसमें रोबोटिक मशीनों की सहायता से अच्छी तरह से पेंटिंग की जाती है इस गाड़ी की। पेंटिंग का काम पूरा हो जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं सभी गाड़ियों को अच्छी तरह से रख दिया जाता है। उसमें फिर बाकी सामान को लगाया जाता है गाड़ी में। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका इंजन है, इसको अच्छी तरह से फिट किया जाता है। इंजन फिट करने के बाद यहाँ बाकी चीज़ों को भी अच्छी तरह से फिट किया जाता है, जैसे कि डैशबोर्ड, आगे का शीशा और बाकी सामान। यहाँ सीट्स की भी अच्छी तरह से सेटिंग हो चुकी है। उसके बाद नीचे जो है चेसिस, उसको अच्छी तरह से फिट किया जाता है। उसके बाद इसमें टायर्स लगाए जाते हैं और आगे का बम्पर लगाया जाता है और जो बाकी चीज़ें हैं उसको भी अच्छी तरह से फिट किया जाता है। इस तरह से गाड़ी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है रोबोटिक सहायता से।